ओके सो गाइज मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज आज की वीडियो में हम करेंगे रिपब्लिक डे की फ़ोटो एडिटिंग। आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो मैंने एडिट किया है बहुत ही मस्त लग रही है। सो गाइज इस फोटो को हम एडिट करेंगे पिक्सआर्ट और लाइटरूम में और बहुत सिंपल एडिटिंग सिखाने वाला हूँ आपको। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहती है इस पर। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको ये जो बैकग्राउंड है ना दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला बैकग्राउंड आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, पिक्सआर्ट से यहाँ से ऐड फ़ोटो में जाके अपनी खुद की फ़ोटो को ऐड कर लीजिए, जिस फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हो। तो मैं सिंपली ये फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ और इसको क्रॉप कर देता हूँ, मैं थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा पार्ट ना हो। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका बैकग्राउंड को इरेज करना है, तो हम नई ट्रिक से करेंगे कटआउट पे क्लिक करके और ये वाला पे क्लिक कर देंगे। बस आप देख सकते हैं आपका नेट ऑन होना चाहिए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे ना मैन्युअली करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत रह गया है, आपको यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करके मैन्युअली हल्का हल्का इरेज के हल्का हल्का सेलेक्ट कर लीजिए। तो सिंपली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपके बैकग्राउंड बहुत आसानी से इरेज हो गया है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से जाना है हमें इफेक्ट्स में, इसमें हम इफेक्ट डालेंगे। कौन सा डालेंगे आपको ध्यान से देखना है। तो हमें इसको इफेक्ट में चलते हैं और यहाँ से आर्टिस्टिक में जाके फैटल वन चूज़ करेंगे, लास्ट में से तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पे इसी पे क्लिक करके इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साइज़ को कर देंगे, जो इसका फेड का साइज़ है इसको कर देंगे 40 के आसपास, और इरेज पे क्लिक करके और या इसका साइज़ कम करके अपने फेस से इरेज कर देंगे। आप देख सकते हैं इरेज करने के बाद आपकी फ़ोटो कितनी मस्त लग रही है। तो अपने जहाँ जहाँ पर आपका स्किन दिख रहा है वहाँ वहाँ से इरेज कर लीजिए। तो सिंपली मैं इरेज कर लेता हूँ। ये जो इफेक्ट है ना आपके सिर्फ कपड़ों पे रहना चाहिए, आप देख सकते हैं आपका कपड़ा कितना मस्त लग रहा है। उसके बाद इसको डन करके यहाँ पे सेट कर लीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है ऐड फोटो में जाके ये वाला फ्लैग लेना है, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, और इसको आप अपने हाथों पे सेट करके अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए और इरेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए इरेज है, अच्छी तरीके से सेट कर लीजिएगा जहाँ पे आपको बेस्ट लगे, थोड़ा इधर उधर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इरेज पे क्लिक करके साइज़ को कम करके और इसको जूम करके उंगलियों को बस इरेज करना है। बीच वाला अगर पार्ट होगा तो इसको छोड़ देंगे ताकि देखने में सही में रियल लुक आए। तो आप देख सकते हैं मैं सिर्फ उंगलियों के ऊपर से इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको कर देना है डन। डन करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर ऐड फोटो में जाके आपको ये वाला पीएनजी लेना है हैप्पी रिपब्लिक डे की, और इसको अपने जहाँ पे रखना चाहते हैं तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा छोटा करके। देखिए कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से डन कर देता हूँ। डन करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखना, अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो यार। इसको हम जाएंगे ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे और ओपन करेंगे लाइटरूम को। बहुत आसान, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कलर ग्रेडिंग कैसे करना है, बहुत आसान और बहुत सिंपल सिखाऊँगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना यार। अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो यार मेरे भाई। यहाँ पर लाइटिंग पर क्लिक करके एक्सपोर को माइनस करेंगे, एक्सपोर को माइनस कर देंगे, जो इसका कॉन्ट्रास्ट है इसको प्लस करेंगे, इसकी जो हाईलाइट है इसको माइनस करेंगे, शेडो को प्लस करेंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। वाइट को प्लस करेंगे, ब्लैक्स को माइनस करेंगे, और फिर यहाँ से जाएंगे कलर टैब में, ये रहा कलर टैब। टेम्परेचर को माइनस करेंगे, अब देख सकते हैं आपकी फ़ोटो में कलर ग्रेडिंग मस्त हो रही है। टिंट को प्लस करेंगे, वाइब्रेंस को प्लस करेंगे। बस इतना काम करने के बाद आपको जाना है ऊपर मिक्स टूल में, दूसरा वाला कलर चूज़ करके सेचुरेशन को माइनस करना है और लूमिनियस को प्लस करना है।
उसके बाद आपको जाना है ये ग्रीन कलर पे, आप देख सकते हैं चौथा वाला कलर ग्रीन कलर पे। इसके ह्यू को माइनस करना है, ह्यू को थोड़ा माइनस करेंगे और अगले कलर पे जाके इसके ह्यू को माइनस, सेचुरेशन को प्लस। ब्लू कलर में जाएंगे, इसके ह्यू को माइनस, आप देख सकते हैं प्लस माइनस करके देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको वेस्ट लग रहा है वहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा। सेचुरेशन को प्लस कर लेते हैं, थोड़ा डन कर देते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट टूल पे, विग्नेट वाले। नेक्स्ट टूल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो विग्नेट है ना, डिहेज को माइनस करेंगे, विग्नेट को भी माइनस करेंगे। अब आपकी फ़ोटो में रियल वाली लुक आ रही है, आप देख सकते हैं। तो विग्नेट को मैं माइनस कर दूँगा 25 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट टूल पे जाना है, ये वाले जो इसका नॉइड रिजोल्यूशन है इसको प्लस करेंगे, शार्पनिंग को प्लस करेंगे, बस यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद सबसे ऊपर वाले टूल पे जाएंगे, टॉप पे, इस पर क्लिक करके प्लस वाले पे क्लिक करके ईस वाला ऑप्शन चूज करेंगे और नीचे से ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखना, मेन आपका एडिटिंग का काम यही है। और इसका जो टेम्परेचर है इसको माइनस करेंगे, देख सकते हैं रियल वाला लुक आ रहा है। इसको कर देंगे 50 के आसपास, बस इतना काम करने के बाद डन कर देंगे। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्सआर्ट में कैसी थी और लाइटरूम में एडिटिंग करने के बाद, कलर ग्रेडिंग करने के बाद कितनी ऑसम लग रही है फ़ोटो। और इसको शेयर पे क्लिक करके इस फोटो को शेव कर लीजिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।